नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके मन पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल सादावाद कृषि में। मैं हूं सोनू चौधरी। दिनांक हो चुकी है 9 मई 2023, दिन है मंगलवार का। नज़र डाल लेते हैं देश भर की समस्त प्रमुख मंडियों में आलू के क्या रही आज की स्थिति, क्या रही परिस्थितियाँ, निकट भविष्य में क्या रहने वाला है, कहाँ किस मंडी में आज गिरावट देखी गई और कहाँ किस मंडी में आज तेज देखी गई। तो कॉपी पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए और नोट कीजिए कौन सी मंडी में क्या रहे दिनांक 9 मई 2023 दिन मंगलवार को भाव। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कानपुर मंडी की। यहाँ टोटल 40 किलो की तौल से ही आलू बिकता, मन से बिकता है। स्टोर का जो आलू आया है हालंड आलू, यहाँ 470 से लेकर 520, सिंदूरी 440 से लेकर 480 रुपये, लॉकर 400 रुपये से लेकर 460, सुपर क्वालिटी का गुल्ला शमसाबाद, सिरसागंज और सादाबाद का 320 रुपये से लेकर 360 रुपये प्रति मन, किर्री जिसे गुल्ली भी बोलते हैं, गोली भी बोलते हैं, 180 रुपये से लेकर 240 रुपये, 37-97 छट्टा आलू 320 रुपये से लेकर 380 रुपये प्रति मन, हाइब्रिड छट्टा आलू 300 रुपये से लेकर 350 रुपये प्रति मन आज यहाँ रहा है। डंप आलू की बात करते हैं तो कई लोग, जैसे ही मैं डालता हूँ कि भाई डंप चल रहा है, तो कई लोगों की सुलग जाती है। भाई अच्छी बात है, सुलगना भी चाहिए, क्योंकि सच्चाई हर किसी को हजम नहीं होती है। हम मान रहे हैं कि आपके एरिया में डंप नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी डंप आलू नहीं चलाओ। अभी ऐसे कई एरियाज हैं जहाँ पर डंप आलू बदस्तर मौजूद है, चाहे वो फर्रुखाबाद हो, मोहम्मदाबाद हो, कायमगंज हो, आपका सातनपुर मंडी ये इसकी गवाह है। अगर हम बात करें छिबरा में हुआ है, कन्नौज है, तिरवा है, यहाँ पर डंप चल रहा है, शमशाबाद में डंप चल रहा है, लेकिन शमशाबाद में थोड़ा ख़त्म होने की कगार पर है। ये आपके लिए राहत भरी खबर है। बदायूं, बिलसी, संभल, बुलंदशहर और आपका हर उसमें देखें पश्चिम उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में डंप अभी बदस्तर रूप से मौजूद है और डंप का ऐसी संभावना है कि 25 मई तक ये डंप जो है चलेंगे, उसके बाद ही इनका प्रेशर जो है कम होगा। अब बात डंप आलू में 37-97 की बात कर लेते हैं, तो मोटा आलू 300 रुपये से लेकर 350 रुपये मन, हाइब्रिड 270 रुपये से लेकर 320 रुपये। बिक्री कानपुर मंडी में ठीक है, घबराने वाली जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन मोटे आलू जो छट्टा मोटा है उसकी कोई डिमांड कानपुर मंडी में फिलहाल नहीं है। पश्चिम बंगाल की बात कर लेते हैं, तो पश्चिम बंगाल में आज आलू में 670 रुपये से लेकर 680 रुपये का यहाँ पर प्रति पैकेट बिका है। उड़ीसा मंडी की किसान साथियों आज हम बात करेंगे, तो 12 गाड़ियों की यहाँ आवक है, कल का 6 बैलेंस है, 18 गाड़ियों की कुल आवक है। मार्केट का जो आज ट्रेंड है 1190 रुपये से लेकर 1265 रुपये प्रति क्विंटल, डंप आलू जो है 1120 रुपये से लेकर 1160 रुपये प्रति क्विंटल का बिका है। डंप आलू हर बार हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ डंप खत्म हो चुके होंगे, लेकिन डंप जो है अभी बहुत ज़्यादा बदस्तर तरीके है। पश्चिम बंगाल में तो हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज से ज़्यादा मार्केट में डंप का आलू जा रहा है, कमोबेश यही स्थिति हर जगह है। गुजरात की खास बात को छोड़ दें तो मैटियापालम मंडी की बात कर लेते हैं, तो ऊटी की 2 गाड़ियों की आवक है, 850 रुपये से लेकर 1330 रुपये प्रति 45 केजी बिका है। डिम्बिम का आलू यहाँ 1 गाड़ी की आवक है, 800 रुपये से लेकर 850 रुपये प्रति पैकेट बिका है। कॉलर का यहाँ 16 गाड़ियों की आवक है, 800 रुपये से लेकर 900, 1000 और 1050 तक बिका है। कॉलर अभी प्रेशर मात्रा में चल रहा है, प्रेशर से चल रहा है। कॉलर को कभी लोग जो है 10 दिन की फसल बताते थे, आज चलते चलते 1 महीना 45 दिन हो चुके हैं और अभी लगभग 1 महीना के तकरीबन 20 या 25 दिन अभी ये कॉलर चलेगा। जैसा अनुमान है कि यहाँ के जो लोग हैं जो कॉलर के, वो जो हैं कोल्ड स्टोरेज भी आलू का कर रहे हैं, ऐसे उन्हें एक नई संभव उसकी दिखाई दे रही है कि अगर हसन की फसल में नुकसान होता है तो वह इस फसल से उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तो ऐसे में कॉलर आलू का भी स्टोरेज भंडारण जो है वहाँ के किसानों द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में मंडियों में खेत से सीधा पहुँच रहा है, अब कोल्ड से भी पहुँचने लगा है, देखिए कॉलर का कोल्ड का आलू की यहाँ 7 गाड़ियों की आवक है, मैटियापालम की 800 रुपये से लेकर 950 रुपये प्रति 45 केजी बिका है। गुजरात की यहाँ 7 गाड़ियों की आज आवक हुई है, 750 रुपये से लेकर 800, 850 तक बिका है। उत्तर प्रदेश का आगरा का आलू 2 गाड़ियों की कुल आवक है, 700 रुपये से लेकर 850 रुपये तक का यह बाजार रहा है। तो प्यारे किसान साथियों, अब हम बात करेंगे दक्षिण भारत से लेकर पूरे ऑल इंडिया की क्या स्थितियाँ हैं। मेरा निवेदन आपसे बस यही है, लच्छेदार मीठी बातें अंतर्राष्ट्रीय किसान हितैषियों द्वारा की जा रही हैं, वो आपके लिए अनुकूल तो हो सकती हैं, लेकिन सुनने में ही अच्छा लगता है। जब कोल्ड स्टोरेज पर जाते हैं तो आप
देखते हैं क्या स्थिति है। इन लोगों का सिर्फ एक ही मोटिवेशन है, किसी तरीके से किसानों को लच्छेदार बातों में हिलगाते रहो, क्योंकि घर पर बैठ कर वीडियो बनाकर कुछ भी बोलना, किसी के बारे में अपशब्द बोलना, गाली गलौज करना और किसी को अनगलट भाषा से संबोधित करना हर किसी के बस की बात होती है, कोई बात नहीं है। लेकिन फील्ड में उतरकर रिपोर्टिंग करना, किसी को बोलना, वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी खीर हो जाती है। और हो सकता है फील्ड में उतरते ही आप किसी के बारे में अपशब्द बोलो, गाली गलौज करो और ये दिखाओ कि हम बड़े वो हैं, तो जूते की माला भी आराम से पड़ सकती है और हो सकता है कि आपको जान से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो ऐसे में जो लोग आप लोगों को गुमराह किए हुए हैं, उनसे सावधान रहिए, क्योंकि मार्केट हमेशा मंडी से तो उठती है, इनके यूट्यूब से या फेसबुक से नहीं उठती है। आप कोल्ड स्टोरेज में वीडियो आपने दो दिन पहले देखा होगा, क्या रेट बिका था, जो आप लोगों को किसान हितैषी बनकर दिखाता रहा था उसी ने ये रेट दिखाए थे 450। तो मैं कहने का मतलब यही है कि ये जो लोग किसान हितैषी बन के आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ये सिर्फ एक आप लोगों का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि घर बैठ के किसी को गाली गलौज करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना और किसी के बारे में अनगलन टिप्पणी करना बहुत आसान है। क्षेत्र में फील्ड में उतरकर इतना आसान नहीं है। फील्ड में उतरकर या तो आपका जबड़ा ही उधड़ सकता है या आपके हाथ पैर भी टूट सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप पूना मंडी की बात कर लेते हैं तो 35 गाड़ियों की यहाँ आवक है, 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो तक आलू बिका है, एक आध दो बढ़िया लोट जो है 13 रुपये किलो तक बिका है। इंदौर का यहाँ 10 गाड़ियों की आवक है, चिप्स वाला आलू 17 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो तक है। यहाँ पर सेल जो है काफ़ी सुस्त है और यहाँ पर बैलेंस जो है रुकेगा। चेन्नई की बात कर लेते हैं तो 12 गाड़ियों की आवक है उत्तर प्रदेश की, 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो और 17 रुपये किलो तक यहाँ आलू बिका है। कॉलर का यहाँ 10 गाड़ियों की आवक है, 650 रुपये से लेकर 800 रुपये तक यहाँ बिका है और सेल जो है काफ़ी सुस्त है। कॉलर जो है हर मंडी में दबाव बनाया हुआ है, बेंगलोर, चेन्नई, नासिक, पूना, हर जगह कॉलर ही कॉलर चल रहा है। ऐसे में समझ लीजिए कि क्या स्थिति आगे वाले निकट भविष्य में रहने वाली है। आपके पास सिर्फ 2 महीने में, दावे के साथ कह रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, मई और जून जो रेट चल रहे हैं आप उसे गुनाते रहिए। अगर किसी के चक्कर में बैठे हुए हैं कि रेटों में और देख लें या दे देख लें, फिलहाल कॉलर चल रही है, कॉलर इतना दम भर रहा है, डंप चल रहा है। 2 महीने बाद आपका जुलाई के मिड से हसन शुरू हो जाएगा। हसन को लोग यही जो बेवकूफ़ किस्म के लोग हैं यही इसे 10 दिन की फसल बताते हैं और चलता वो दीपावली तक है। उसके बाद में शुरू हो जाएगा आपका ऊना होशियारपुर सितंबर के लास्ट और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। तो ऐसे में ये जो समय चल रहा है मई और जून का, ये आपके लिए मौके पर चौका मारने वाला है। अगर आप इस चीज़ में बैठे हुए हैं कि हमें और देखना है, वो आपकी इच्छा है, जिनमें रिस्क लेने की क्षमता हो वही रिस्क लें, लेकिन निवेदन मेरा आपसे ही रहेगा हर रेट लेते हुए आलू की निकासी करते रहें। बात कर लेते हैं अलवर राजस्थान की, तो यहाँ 7 गाड़ियों की आवक है, 8 रुपये किलो से लेकर 10.5 रुपये किलो तक है। यहाँ पर भी बिक्री काफ़ी सुस्त चल रही है, बैलेंस बनेगा। अगर बात कर लें बेंगलोर मंडी की, तो बेंगलोर मंडी में उत्तर प्रदेश की 18 गाड़ियों की आवक है, 600 रुपये से लेकर 650 और 800 रुपये तक यहाँ बाजार चला है। कॉलर का आलू लास्ट साफ आ रहा है हर उसमें मंडी में, कॉलर ही कॉलर दक्षिण भारत में चल रहा है, तो रेट बढ़ने की संभावना ना के बराबर है। 8000 पैकेटों की आवक है, 700 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट तक रहा है। हालांकि यहां पर आज जो है बैलेंस क्लियर हो गया है और कल जो है बेंगलोर मंडी में अवकाश रहेगा बुधवार का, क्योंकि वहाँ पर इलेक्शन है, उत्तर असेंबली इलेक्शन है जो कि विधानसभा के इलेक्शन है, इस वजह से वहाँ पर छुट्टी रहेगी। नासिक मंडी की बात कर लेते हैं तो 20 गाड़ियों की आवक है, 11 रुपये किलो से लेकर 13.5 रुपये किलो का यह बाजार रहा है। यहाँ पर भी बिक्री नील ठसाठस। जयपुर मंडी की बात कर लेते हैं तो 60 गाड़ियों की आवक है, 8 रुपये किलो से लेकर 11 रुपये किलो का यहाँ बाजार है। अगर बात की जाए तो बैलेंस रुकने की, तो यहाँ बैलेंस भरपूर मात्रा में रुका हुआ है। गुवाहाटी मंडी की बात कर लेते हैं तो गुवाहाटी मंडी में उत्तर प्रदेश की 5 गाड़ियों की आवक है, 12.5 रुपये किलो से लेकर 13.5 रुपये किलो तक बिका है। पश्चिम बंगाल की 6 गाड़ियों की आवक है, 9.5 रुपये किलो से लेकर 10.5 और 11 रुपये किलो तक बिका है। मुंबई की बात कर लेते हैं तो टोटल 55 गाड़ियों की आवक है, उत्तर प्रदेश का आलू 11 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो तक बिका है। इंदौर का आलू 14 रुपये किलो से लेकर 16 रुपये किलो तक बिका है, यहाँ पर भी बैलेंस बरकरार बनेगा। मदुरई मंडी की बात कर लेते हैं तो मदुरई मंडी में उत्तर प्रदेश का आगरा का आलू 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक बिका है। फरुखाबाद मंडी की बात कर लेते हैं तो किसान साथियों, ख्याति पुकरा 750 रुपये से लेकर 800 रुपये, हालैंड 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये, चिप्सोना 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति पैकेट तक यहाँ बिका है। अहमदाबाद गुजरात की बात कर लेते हैं, अहमदाबाद, सूरत, डीसा, बनासकांठा, यहाँ मंडियों में आज बादशाह आलू 13 रुपये किलो से लेकर 14 रुपये किलो,
ख्याति आलू 10 रुपये किलो से लेकर 12 रुपये किलो, उखराज आलू 8 रुपये किलो से लेकर 10 रुपये किलो, एलआर आलू 18 रुपये किलो से लेकर 21 रुपये किलो तक बिका है। तो आज आपने दिनांक 9 मई 2023 दिन मंगलवार को देश की प्रमुख आलू मंडियों के भाव जाने। वीडियो कैसी लगी इस बारे में कमेंट में जरूर लिख के बताना। लेकिन मेरा आप लोगों से पुनः एक बार निवेदन है, हर रेट लेते हुए आलू की निकासी बरकरार करते रहिए, निकासी में कोई कोताही नहीं बरती है। अगर कोताही बरतेंगे तो ये आप लोगों के लिए सिरदर्दी बन जाएगा, सिर्फ मेरे लोगों के लिए, कोई सिरदर्दी बनने वाला नहीं है। मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरे साथ वीडियो में आपने भाव जाने, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।